हेलो दोस्तों, जब एग्जाम्स पास आते हैं तो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अचीवमेंट्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए हर दिन पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आपका डेली स्टडी रूटीन प्लान करने के लिए आप हमारा स्टडी रूटीन वीडियो ज़रूर देखें। बहुत से स्टूडेंट्स को सिलेबस टाइम में कवर करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो एक चैप्टर के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं और फिर उनके बाकी के चैप्टर्स इनकम्प्लीट रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई शुरू करने से पहले कोई प्लान नहीं करते हैं। इसीलिए उनका सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है और फिर उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक घंटे में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके। पहले आप टाइम को अच्छे से एनालाइज करो और उसके हिसाब से ही प्लान बनाओ। तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। हमें इस टाइम को पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि 10, 20, 5, 15 एंड 10। अब पहले 10 मिनट्स में आप चैप्टर को थरली एनालाइज करो। अब आप ये टाइम में क्या कर सकते हो, आपको चैप्टर को अच्छे से देखना है। बुक या मॉड्यूल में से रीड करने से पहले आप अपने टेक्स्ट बुक या स्टडी मटेरियल को रेफर करो और हेडिंग्स और कंक्लूजन्स देखो। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस टॉपिक में क्या क्या इंक्लूडेड है। आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का माइंड मैप बना सकते हो। इसके लिए आप वेटेज चार्ट की भी हेल्प ले सकते हो। फिर अगले 20 मिनट्स में आप चैप्टर लर्न करने की कोशिश करो। आपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, बस उसे याद रखने की कोशिश करो। आप एक ही इन्फॉर्मेशन अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करो। अब इन 20 मिनट्स में आप रीडिंग मटेरियल में से बस कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ो। आप जो पढ़ रहे हो उसके बारे में खुद को क्वेश्चंस पूछो। प्रत्येक पैराग्राफ के की पॉइंट्स क्या है वो देखो, और अगर पॉसिबल हो तो कनेक्शंस और एनालॉजीज जरूर बनाइए। एक स्टडी के हिसाब से बार बार पढ़ना लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक ढूंढो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। इसके बाद आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इस ब्रेक में आप स्नैक्स खा सकते हो या फिर थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। और फिर 15 मिनट आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करो। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप क्वेश्चंस या फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करो, और अगर थियोरी है तो आप पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो, या फिर अच्छी तरह याद रखने के लिए आप ट्री डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। अब आखिरी 10 मिनट में आपने जो भी पढ़ा है उसका रिविजन करें। एक बार चेक करें कि आपसे कुछ मिस हुआ है या नहीं, और अब आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर एक आध चैप्टर बड़ा है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। साथ ही में ये आपके उस टॉपिक के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे भी डिपेंड करता है। तो आपको किसी चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कितना टाइम लग रहा है वो ज़रूर ट्रैक करें, ताकि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट ना रहे। तो चलिए कुछ जनरल टिप्स देखते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सारा स्टडी मटेरियल अपने पास रखें, ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े, क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन अफेक्ट होता है। जहां अच्छी रोशनी है वहां पढ़ाई के लिए बैठें। आप अलग अलग प्लेसेस भी ट्राई कर सकते हो, इससे आप एनर्जाइज रहेंगे। एक ही प्लेस पे बैठ के आपको नींद आ सकती है या फिर आप बोर फील कर सकते हो। इंटरवल्स में खाए और खुद को हाइड्रेटेड रखें। कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करो, इससे आपको उस टॉपिक का नॉलेज एनहांस होगा। चैप्टर याद रखने के लिए दोस्तों को पढ़ाना भी अच्छी टेक्निक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी होंगी। और भी ऐसे टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।